तो दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है भारत और ताइवान को लेकर। और इस खबर के आते ही चीन को 440 वोल्ट का झटका लगने वाला है, क्योंकि जो चीन भारत की डील टूटने पर खुशियां मना रहा था वो अब सिर पटक के रोने वाला है। दरअसल आप सभी को पता ही है कि ताइवान भारत के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करना चाहता है, परंतु भारत इसमें देरी कर रहा है। और अभी हाल ही में आप सभी को पता होगा कि जब भारत और ताइवान की कंपनियां फॉक्सकॉन और वेदांता का जो डील थी वो जब टूट गई थी तो चीन बहुत खुश हुआ था, और चीनी मीडिया ने भारत को लेकर खूब उल्टे सीधे आर्टिकल छापे थे, जिसमें इन्होंने कहा था कि भारत के अंदर कारोबारी माहौल काफी ज्यादा खराब है, जिसके कारण से आज तो फॉक्सकॉन भारत छोड़कर जा रही है, कल को अन्य विदेशी कंपनियां भी भारत छोड़ देंगी, क्योंकि भारत सरकार इन विदेशी कंपनियों पर अपनी मनमर्जी चलाती है। परंतु चीन की इस खुशी को ताइवान ने मातम में बदल दिया है, और भारत के लिए ताइवान एक भाई की तरह उभरा है, और चीन के खिलाफ जाकर भारत में ताइवान एक बहुत ही बड़ा निवेश करने जा रहा है। दरअसल स्क्रीन के ऊपर आप सभी आर्टिकल देख सकते हो, जिसमें यह जानकारी दी गई है कि ताइवान भारत के कर्नाटक राज्य के अंदर $600 मिलियन का निवेश करेगा, जिसमें से $350 मिलियन यानी करीब 2900 करोड़ रुपए से एप्पल आईफोन और उसके पार्ट्स बनाए जाएंगे, और दूसरा निवेश ताइवान भारत के अंदर $250 मिलियन यानी 2071 करोड़ का करने वाला है, जिसके तहत ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन दुनिया की सबसे दिग्गज सेमीकंडक्टर के उपकरण बनाने वाली कंपनी एप्लाइड मटेरियल के साथ मिलकर भारत के कर्नाटक में जो सेमीकंडक्टर होते हैं उनको बनाने वाले उपकरणों का निर्माण करेंगे, जिससे भारत के अंदर आगे चलकर सेमीकंडक्टर को बनाने के जो उपकरण होते हैं उनके क्षेत्र में ताइवान भारत को आत्मनिर्भर बनाएगा। फिलहाल मैं आप सभी के इस टॉपिक के अंदर क्या राय है, और जब ताइवान भारत के लिए इतना कुछ कर रहा है तो क्या भारत को ताइवान के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने चाहिए? कमेंट बॉक्स में फिर आप दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।